आदरणीय दिनेश जी ने बहुत सुंदर बात कही है कि भारत को अगर महाशक्ति बनाना है तो दो चीजों को हमें याद रखना होगा। एक तो राष्ट्र प्रथम, ये जो भूमिका हमारी है ये भूमिका हम छोड़ नहीं सकते, इसलिए सभी के मनों में राष्ट्र प्रथम का बीजारोपण करना ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, और साथ साथ किसी भी प्रकार की विषमता से दूर समाज, ऐसे समाज का निर्माण ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमारी सनातन संस्कृति में विषमता कहीं नहीं है, कभी हमने उसको देखा नहीं है। ये तो काल के प्रवाह में हमारे बीच विषमता का बीजारोपण हुआ और उसकी खामी हमने भोगी है। इसी विषमता ने हमारे सनातन विचार को एक प्रकार से लोगों से दूर किया, इसी विषमता ने हम लोगों को हजार साल तक गुलामी के जंजीरों में अटका के रखा। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि फिर एक बार ये जो हमारा निर्मल प्रवाह है, ये प्रवाह उन्हीं सनातन विचारों को प्रतिपादित करेगा जो विचार एक विषमता मुक्त इस प्रकार के समाज की रचना करते हैं, और निश्चित रूप से वो समय भी आने वाले दिनों में हमारे संतों के माध्यम से निर्माण होगा, इस बारे में मेरे मन में कोई शंका नहीं है।